हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिक्विड फंड में निवेश करने से पहले क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन से लिक्विड फंड आपके लिए बेहतर है। हालांकि एक बेसिक वीडियो लिक्विड फंड्स की बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो उन लोगों ने जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, लिक्विड फंड चुनने से पहले सबसे पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ स्टार रैंकिंग। आप देखोगे काफी सारी वेबसाइट्स, काफी सारे एप्स आपको देखेंगे जो पर्टिकुलर फंड्स को, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रैंकिंग देते हैं या स्टार रैंकिंग देते हैं। हालांकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये रैंकिंग के बेसिस पर कैसे आप लोगों के साथ ये ठगी की जा रही है, कैसे ये जो स्टार रैंकिंग है बेसिकली इज अ प्रमोशनल टेक्निक। हालांकि ये कभी भी, ये जितनी भी स्टार रैंकिंग देखोगे, ये पूरा रिस्क एनालिसिस करके रेटिंग्स नहीं दी जाती, रैंकिंग नहीं जाती। हालांकि कुछ वेबसाइट्स है जो उसको एक पूरा एनालिसिस करती है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी जो वेबसाइट्स है, मेजोरिटी जो एप्स है, जितनी भी स्टार रैंकिंग देनी है उसके पीछे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव यह है कि कभी भी अगर लिक्विड फंड आप चुन रहे हो तो रैंकिंग, स्टार रैंकिंग पे कभी मायने नहीं रखती। दोस्तों, जो ये स्टार रैंकिंग आप देखते हो, ये स्टार रैंकिंग आज जो दी जाती है रिटर्न्स के बेसिस पे दी जाती है। जिस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न्स अच्छा होगा या कुछ पैरामीटर सेट करे उसके बेसिस पे दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 2015-2016 में काफी सारे फंड हाउसेस थे जिनका एक एक साल का रिटर्न्स आपको दिख भी रहा होगा, एक एक साल का रिटर्न्स 8-8%, 9-9% था। और इन पर्टिकुलर फंड्स की उस समय 2015-2016 में जो रैंकिंग्स थी, स्टार रैंकिंग थी, 5-स्टार रैंकिंग्स थी। लेकिन जैसे ही INFS का केस हुआ, DHFL का केस हुआ, जब DHFL ने इंटरेस्ट पेमेंट देना बंद कर दिया, ये सारी की सारी रेटिंग, सारी की सारी स्टार रैंकिंग धरी की धरी रह गई। एक एक दिन में ये फंड हाउसेस ने, एक एक इन स्कीम्स ने एक एक दिन में 7-7% नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। यानी पूरे साल में आपने जो कमाया होगा लिक्विड फंड से वो एक दिन में खत्म हो गया। दूसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है फंड हाउस। देखो, छोटे फंड हाउसेस ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, छोटे फंड हाउसेस ऐसा नहीं है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जहां बात होती है इक्विटी फंड्स और बाकी कैटेगरी की, ठीक है, लेकिन जब लिक्विड फंड हाउस की बात आती है तो हमेशा फॉलो कीजिए कि कोई बड़ा फंड हाउस को आप पकड़े। अगर लिक्विड फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो हमेशा एक बड़े फंड हाउस के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, लिक्विड फंड में जो 70-80% पैसा है वो आज भी ट्रेजरीज का और कॉर्पोरेट्स का होता है। ट्रेजरीज और कॉर्पोरेट्स हमेशा ये चाहेगी कि एक अच्छे खासे फंड हाउस के साथ जाए, एक बड़े फंड हाउस के साथ जाए जिसकी मार्केट में स्टेबिलिटी हो। और वहां पर फंड मैनेजर की भी जिम्मेदारी बन जाती है। जहां कॉर्पोरेट शामिल हो रहे हैं वहां पर फंड मैनेजर ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पर इंस्ट्रूमेंट्स चुनता है, वहां पे उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको फॉलो करना है इनको, कॉर्पोरेट्स को, ट्रेजरीज को। आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए कि वो अपना पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं, आपको पैसा वहीं निवेश करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी कॉर्पोरेट्स होंगे, ट्रेजरीज होंगे, वो छोटे फंड हाउस के साथ नहीं जाएंगे, जो वेल रेप्यूटेड जो फंड हाउस होंगे वहीं पैसा निवेश करेंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है फंड साइज। जी हाँ, अगर इक्विटी की बात हो रही है तो कोई मैटर नहीं करता फंड साइज कितना है, छोटा है, बड़ा है, वहां पे स्ट्रैटेजी, फंड मैनेजर, बाकी चीजें काम आती है। लेकिन जब लिक्विड फंड की बात है तो फंड साइज मैटर्स। क्यों? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेजरीज का 70-80% पैसा लगा रहता है। जस्ट ये सोचिए, आप और हम लोग तो 1-2 लाख रुपए लगाने वाले हैं। फंड जो बेसिकली कॉर्पोरेट्स होंगे वो मल्टी करोड़ में पैसा लगाते हैं, 400 करोड़, 500 करोड़। अगर उनमें से किसी एक ने भी, एक भी कॉर्पोरेट ने पैसा मार्केट से निकाल लिया या फंड हाउस से निकाल लिया, उसका मेजर इंपैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलता है देखने को। और ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही एक इवेंट हुआ था जब DHFL की ट्रिपल ए रेटेड जो बॉन्ड्स थे, ट्रिपल ए रेटेड जो कमर्शियल डिपॉजिट थी, वहां पे उनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड हुई थी। और क्योंकि बिकॉज जो छोटे फंड हाउसेस थे वहां पे एक ही दिन में 7-8% रिटर्न्स देख नेगेटिव हो गए थे। इवन JP Morgan, JM आपका JM फाइनेंशियल का लिक्विड फंड था, उन्होंने तो लिक्विड रिडम्पशंस भी मार्केट में रोक दिए थे। ऐसी लास्ट 2-3 साल में हमने काफी सारे इवेंट देखे हैं। तो इसलिए साइज मैटर करता है, साइज हमेशा ध्यान रखिए, जितना बड़ा फंड साइज हो उतना बेटर होगा आपके लिए। आपको सिर्फ कॉर्पोरेट्स को फॉलो करना है, ट्रेजरीज को फॉलो करना है, वो पैसा कहां निवेश करना है आपको, छुप छुप के आपका काम खत्म। जहां पे कॉर्पोरेट और ट्रेजरी पैसा लगा रहे आप समझ कर रखिए कि आपने जस्ट उनके पीछे बैकअप लिया हुआ है, आपका पैसा सेफ है, आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। अगला जो दोस्तों क्राइटेरिया है वो ध्यान रखना है आपको, डाइवर्सिफिकेशन। यस, डाइवर्सिफिकेशन। आज तक आपने इक्विटी फंड में सुना होगा इक्विटी डाइवर्सिफाई कीजिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए, लेकिन जब लिक्विड फंड की बात आती है तो लिक्विड फंड भी आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि लिक्विड फंड जो आपका पैसा निवेश कर रहा है, नंबर ऑफ होल्डिंग्स आपकी ज्यादा होना चाहिए। एक एग्जांपल पे समझ लेते हैं, मान लीजिए 100 करोड़ का फंड है और आपके आज पर्टिकुलर जो भी लिक्विड फंड आपने चुना है उसमें 20 होल्डिंग्स है, 20 होल्डिंग्स में आपका पैसा निवेश है, तो यानी 5-5 करोड़ रुपए लगा हुआ है। यानी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो कंसंट्रेशन रिस्क है इट इज 5%,
तो अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट करता है तो इसका मेजर इंपैक्ट पूरे इन्वेस्टर्स को मिलेगा, क्योंकि 5% पूरे फंड साइज का काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन वही 100 करोड़ रुपए का अमाउंट है और आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ होल्डिंग्स है 100, तो यानी हर फंड हर इंस्ट्रूमेंट पे 1-1 करोड़ रुपए लगा हुआ है। अगर आपका 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग डिफॉल्ट भी करता है तो भी जो भी बाकी आपकी 98 और 99 आपकी जो होल्डिंग होगी वो कंपनसेट करेगी आपके लॉसेस को। तो इसलिए बड़े फंड हाउस के साथ जाना है, बड़े फंड साइज के साथ जाना है और नंबर ऑफ होल्डिंग्स भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ होल्डिंग्स के साथ में अभी ध्यान रखना है कि जहां पर आपका पैसा निवेश हो रहा है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, लिक्विड फंड में पैसा आपका मोस्टली जो निवेश होता है ट्रेजरीबल्स, कमर्शियल डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स में होता है। हालांकि देखो ट्रेजरीबल्स एक लिमिटेड है, तो रिटर्न्स कमाने के लिए, रिटर्न्स जनरेट करने के लिए लिक्विड फंड्स को कमर्शियल डिपॉजिट्स में भी, कमर्शियल डिपॉजिट्स में भी अपना पैसा निवेश करना होता है। वहां पे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और वो पैसा वहां पे उनका एलोकेट भी हो जाता है। लेकिन आपको यही देखना है कि ट्रिपल रेटेड फंड्स है, ट्रिपल रेटेड कमर्शियल पेपर्स है या नहीं है, आपका ट्रेजरी बिल्स में कितना पैसा लगा, ये सारी मैटर्स, सारी चीजों को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही आपको अपना फंड चुनना है। दोस्तों इसके अलावा आपको देखो एक प्रो पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, प्रो टिप और दे रहा हूँ आपको, कि आप देखिए कि आपकी जो भी लिक्विड फंड आपने चुना है उसकी जो होल्डिंग्स है, देखो एज पर द मार्केट कंडीशन जैसे अभी चल रही है, वी आर फेसिंग द COVID-19, तो आपका मैक्सिमम एलोकेशन होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स में। तो आपको ये देखना है कि आपके पर्टिकुलर फंड की ट्रेजरी बिल्स में कितना पैसा लगा हुआ है। जितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है इसका मतलब वो फंड आपके बारे में सोच रहा है, सेफ्टी के बारे में सोच रहा है, तो आपके लिए बेटर फंड है। आज की डेट में भी काफी सारे फंड हाउसेस, काफी सारे लिक्विड फंड ऐसे हैं जिनका ट्रेजरी बिल्स में तो है लेकिन इतना मेजर पोर्शन नहीं लगा, आज भी वो कमर्शियल डिपॉजिट्स में पैसा लगा के बैठे हैं। लेकिन इसके साथ में काफी सारे फंड हाउसेस ऐसे भी है जिनका लगभग 20-30% पूरे होल्डिंग की, पूरे एसेट साइज की सिर्फ ट्रेजरी बिल्स में लगा हुआ है। ट्रेजरी बिल्स में आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे लेकिन पैसा आपका सेफ रहेगा। जो मैं आपको आगे फंड बता रहा हूँ, तीन फंड जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ये तीन फंड है आपका एक्सिस लिक्विड फंड, यूटीआई लिक्विड फंड और आपका एसबीआई लिक्विड फंड। ऐसा नहीं है कि आईसीसी और एचडीएफसी नहीं है, लेकिन आईसीसी और एचडीएफसी के साथ आज क्या है कि बाकी सारे क्राइटेरिया सेट है। अगर मुझे 5 का नाम लेना पड़े तो आईसीसी एचडीएफसी भी इसमें शामिल होगा, लेकिन शुरू के टॉप थ्री मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एक्सिस हो गया, आपका यूटीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया। बाकी की जो आईसीसी और एचडीएफसी है उसमें ये इशू है कि उनकी भी होल्डिंग्स अच्छी है बट उनका 14-15% एलोकेशन सिर्फ ट्रेजरी बिल्स में है। मैंने आपको जो शुरू के टॉप थ्री फंड्स बताए हैं इनका लगभग 20-25% से भी ज्यादा एलोकेशन आज ट्रेजरी बिल्स में है और यही ऐसा ही होल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मार्केट में वी आर फेसिंग द COVID-19 सिचुएशन, आगे शटडाउन के बाद काफी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तो आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। इसी के साथ में मैंने इनकी रिटर्न कंसिस्टेंसी भी चेक करी है। रिटर्न कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने सन 2005 से लेकर 2020 तक का सारा डेटा एनालिसिस करा, लगभग 800 डेटा एंट्रीज थी। मैंने ये देखा कि मैं किसी भी दिन निवेश करूं तो इन तीन फंड्स की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देखोगे, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा चार्ट पे, इन तीनों फंड्स ने कभी भी किसी भी टेन्योर में, मार्केट में कोई भी इवेंट आया हो, कोई भी डेट इवेंट आया हो, इन फंड्स ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया, यानी किसी भी तरीके की दिक्कत इन फंड्स के साथ नहीं हुई। कम से कम 5% से ऊपर रिटर्न दिया है विद इन वन टेन्योर, वन ईयर टेन्योर में, और जो इनका बेसिकली एवरेज रिटर्न है इट इज मोर देन 7%। तो आज ये जस्ट एक ब्रीफ वीडियो थी, क्योंकि बेसिकली मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने लिक्विड फंड्स के बेसिक्स में बताया हुआ है। तो आज ये फंड सजेस्ट करने थे, क्या क्राइटेरिया है एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि देखो भैया, आपको फंड साइज बड़ा होना चाहिए, आपका फंड हाउस एक वेल रेप्यूटेड होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट में काफी पुराना होना चाहिए क्योंकि आपको कॉर्पोरेट्स को फॉलो करना है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन देखिए कि आपके पर्टिकुलर फंड की जो होल्डिंग है कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितने होल्डिंग्स में आपका पैसा लगा है। जितनी ज्यादा होल्डिंग्स होंगे उतना बेटर होगा, सेफ होनी चाहिए हल्की होल्डिंग्स आपकी, ट्रेजरी बिल्स में ज्यादा पैसा निवेश होना चाहिए। इसके साथ में रैंकिंग यार कोई मैटर नहीं करती, हालांकि इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक का बटन है, 600 लाइक्स का टारगेट है, हमेशा की तरह टारगेट अचीव करने में आप मेरी मदद कर सकते हो। नीचे थंब इंप्रेशन दिया हुआ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल, जहां भेजना चाहते हो शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर मेरे आप प्रीमियम आर्टिकल्स को फॉलो करना चाहते हो जहां मैं बहुत जल्दी अपने इनसाइटफुल आर्टिकल्स, डेटा, इसी तरीके के डेटा एनालिसिस, सारे लूप होल्स शेयर करने वाला हूँ यूजर्स के साथ में, अगर वो अभी तक आपने मेरे प्रीमियम आर्टिकल सब्सक्राइब नहीं करे तो नीचे जाके सब्सक्राइब के बटन पर, सिर्फ आपको ईमेल आईडी देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं यार आपसे, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।